टुडे वी विल स्टडी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी के पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मास और वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा। फॉर्मूला है पी, पी इक्वल्स टू एम वी। सिम्बॉल है मोमेंटम का पी, मास इंटू वेलोसिटी, और उसकी यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोमेंटम एक इफेक्ट है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी जो मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर, चेंज इन मोमेंटम है, वो डायरेक्टली फोर्स पे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बॉल मूव कर रहा है, उसका इनिशियल मोमेंटम 6 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर बॉल जा रहा है तो उसके अंदर मोमेंटम होगा, क्योंकि उसके अंदर मास है और वेलोसिटी है, तो उसके अंदर मोमेंटम होगा। हम एज्यूम करते हैं 6 है। उसको अगर मैं ज़ोर से फोर्स लगाऊंगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ मोमेंटम चेंज किसने किया? फोर्स ने किया। तो चेंज इन मोमेंटम है बॉडी के अंदर, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अनबैलेंस फोर्स है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट यानी क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ट्राइंगल मीन्स चेंज, रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है कि मोमेंटम जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी मोमेंटम और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है यहाँ। तो ये सेकेंड लॉ था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ेगा। वो हमने ये एग्जांपल में देख लिया। अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो मोमेंटम भी चेंज ज़्यादा होगा। 6 से 20 हो गया, ज़्यादा हो गया मोमेंटम चेंज। तो फोर्स और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि टाइम अगर बढ़ेगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा। ये हम लोग आगे के गिव रीज़न में देख लेंगे कि टाइम और मोमेंटम कैसे रिलेशन में है। वेल कैचिंग अ बॉल, यहाँ 3 गिव रीजन्स है विच इज़ बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। वेल कैचिंग अ बॉल, वाई क्रिकेटर ब्रिंग हिज हैंड बैकवर्ड। तो जब क्रिकेटर कैच करता है बॉल तो वो हैंड को क्यों पीछे ले जाता है? जैसे कि ये है तो ये हैंड ऊपर है तो ये धीरे धीरे नीचे ले जाता है। क्यों ले जाता है? बिकॉज व्हेन क्रिकेटर कैचेस द बॉल द टाइम पीरियड बिटवीन हैंड एंड बॉल इंक्रीजेस। बॉल को पीछे, वो हाथ को पीछे ले जाता है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉल एंड हैंड। सो द वेलोसिटी ऑफ बॉल डिक्रीजेज एंड चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो डिक्रीजेज। हमने ऊपर देखा कि अगर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है चेंज इन मोमेंटम डिक्रीजेस, सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन हैंड ऑल्सो डिक्रीजेज एंड क्रिकेटर डज नॉट गेट हर्ट। यानी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा बॉल और हैंड के बीच में, मोमेंटम ऑफ बॉल है वो कम हो जाएगा, एंड द फोर्स ऑन हैंड ऑल्सो डिक्रीजेज, सो द क्रिकेटर डजंट गेट हर्ट। ये आंसर है। द टाइम पीरियड बिटवीन बॉल एंड हैंड increases so the momentum of the ball decreases so the force on hand decreases so the cricketer doesn't get hurt. Dusra give reason hai, during a high jump athlete fall on the cushion bed and doesn't get hurt. Jab high jump hota hai to wo run karke aata hai, fir wo high jump leta hai, fir cushion ke upar fall hota hai. Yahan maine ek diagram dikhane ki try ki hai ki ye person hai, ye pole hai, isko kood ke ye jab cushion hota hai, bed hota hai, uske upar कूदता है तो उसको हर्ट क्यों नहीं होता है? बिकॉज जब भी वो नीचे कूदते हैं ना, ये बेड के ऊपर कूदता है तो बेड है ना एकदम सॉफ्ट होता है, इसलिए नीचे जाता है। तो यहाँ जो नीचे जाता है ना, इसके लिए क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन कुशन एंड द टाइम पीरियड बिटवीन बॉडी एंड कुशन इंक्रीजेस। नीचे जाता है इसलिए टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, कॉन्टैक्ट का जो होता है बॉडी और कुशन का, कॉन्टैक्ट का टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। सो द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिक्रीजेस एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये टाइम और मोमेंटम का रिलेशन इन्वर्स है। अगर टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने वही लिखा है कि टाइम पीरियड बिटवीन बॉडी एंड कुशन इंक्रीजेस सो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। मोमेंटम बॉडी का कम हो जाएगा तो इफेक्ट कम हो जाएगी, तो फोर्स ऑन द बॉडी ऑल्सो डिक्रीजेज एंड इट डजंट गेट हर्ट। ओके, थर्ड गिव रीजन है हाउ कराटे प्लेयर ब्रेक्स द आइस स्लैब इन अ सिंगल ब्लो। कराटे एक्सपर्ट होता है, वो जब आइस स्लैब को मारता है
तो वो क्यों टूट जाता है, उसमें भी सेकेंड लॉ है। तो द टाइम पीरियड बिटवीन हैंड एंड आइस डिक्रीजेज, यहाँ टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। पता है आप लोग को पता है कि ये जो आइस ब्लॉक होता है, जो कराटे एक्सपर्ट होता है, उसको फटाक जोर से मार देता है, जोर से मारता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है बिटवीन हैंड एंड आइस। सो द टाइम पीरियड बिटवीन हैंड एंड आइस डिक्रीजेज, सो द वेलोसिटी एंड द मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हैंड ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा। टाइम डिक्रीजेज बिटवीन हैंड एंड आइस, सो द मोमेंटम ऑफ द हैंड इंक्रीजेज, सो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द आइस स्लैब इंक्रीजेज, सो लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन द आइस स्लैब एंड इट ब्रेक्स ईजीली। तो यहाँ टाइम पीरियड, मोमेंटम ऑफ फोर्स की बात करनी है, तीनों गिव रीजन्स है, तो उसमें यही है टाइम पीरियड। ये फर्स्ट दो गिव रीजन में टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, राइट। डेरिवेशन है, डिराइव एफ इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमें यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव करना है। तो लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास एम, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है, इट इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू एंड अटेन अ फाइनल वेलोसिटी वी इन टाइम टी। उसका मास एम है ऑब्जेक्ट का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, और वो टाइम ले रहा है इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी जाने के लिए टाइम टी। तो लेट इट्स इनिशियल मोमेंटम बी पी वन इक्वल्स टू एम यू, यहाँ मैंने दिखाया है इनिशियल मोमेंटम पी वन इक्वल्स टू एम यू, फाइनल मोमेंटम पी टू इक्वल्स टू एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यानी एम वी, एम वी माइनस एम यू, तो एम कॉमन, तो एम ब्रैकेट में वी माइनस यू। तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ब्रैकेट में वी माइनस यू। तो चेंज इन मोमेंटम माइनस मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मैंने यही किया हुआ है, या प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है। फिर मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ चेंज इन मोमेंटम था तो मैंने नीचे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यही कॉपी करना एम वी माइनस यू अपॉन टी लिख देना है। क्यों मैंने टी को डिवाइड किया है, क्योंकि मैंने लिखा है रेट, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम यानी तो फोर्स होता है, ये कौन बोल रहा है, सेकेंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, तो मैंने यहाँ चेंज इन मोमेंटम की जगह फोर्स लगा दिया, बाकी यही कॉपी कर लिया प्रोपोर्शनलिटी एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी वी माइनस यू अपॉन टी, तो एफ इक्वल्स टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटती है तो इक्वल टू की साइन आती है, और यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो इक्वल टू की साइन आती है और एक कांस्टेंट लगता है, एक लेटर होता है कांस्टेंट, तो यहाँ के लेटर है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट वी माइनस यू अपॉन टी इज ए, तो यहाँ वी माइनस यू अपॉन टी है, इसको जगह हम ए लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ इक्वल्स टू के एम ए, वेर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ के की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के बिकम्स वन, यहाँ एक्सपेरिमेंट से के की वैल्यू वन मिली है, तो हम लोग यहाँ के की जगह वन लिख देंगे, तो वी गेट एफ इक्वल्स टू एम ए। तो वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड, अब यहाँ हम लोग वन न्यूटन या तो वन यूनिट ऑफ फोर्स की डिफाइन कर रहे हैं। वन यूनिट इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ वन के जी मास, अगर बॉडी है उसका मास वन के जी है और उसके अंदर एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन द फोर्स इज इक्वल टू वन यूनिट और वन न्यूटन, तो के वैल्यू ऑफ के बिकम्स वन, तो एफ इक्वल्स टू एम ए।